हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है दामोदर घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, डीवीसी में जूनियर इंजीनियर तथा अन्य पदों के लिए भर्ती चल रही है दोस्तों, जिसका कि आवेदन हो चुका है और अभ्यर्थी इसके एग्जाम का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि डीवीसी का एग्ज़ाम कब तक होगा और जो इसका जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, मैं आपको पहले एग्जाम पैटर्न दिखाता हूं, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सब्जेक्ट आएगा। दोस्तों, मैं आपको सिलेबस के विषय में जानकारी देता हूं। दोस्तों, ये आपका एग्जाम पैटर्न है जूनियर इंजीनियर तथा माइन सुपरवाइजर। दोस्तों, इसमें आपका जो टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा जो आपका दिख रहा होगा और समय 2 घंटे का रहेगा, और जो इसमें पार्ट रहेगा आपका जो पार्ट वन में रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो पार्ट सेकंड रहेगा वो आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। दोस्तों, पार्ट जो वन रहेगा GAT उसमें आपका नॉन टेक्निकल आएगा, और जो पार्ट सेकंड रहेगा टेक्निकल नॉलेज उसमें टेक्निकल आएगा, और इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। दोस्तों, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी और आपकी जनरल इंग्लिश आएगी। आपके 3 सेक्शन रहेंगे और 30 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों, आपका 10-10 नंबर का तीनों सेक्शन रहेंगे। और जो आपका दोस्तों टेक्निकल नॉलेज है वो आपकी अलग अलग है, मैकेनिकल के लिए अलग है, सिविल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है। दोस्तों, मैं आपको सिविल का डिस्कस कर देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये आपका टेक्निकल नॉलेज है सिविल का है। इसमें जो आपका पहला है पार्ट ए है वो आपका फंडामेंटल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। दोस्तों, आपका BMC आने वाला है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आने वाला है। दोस्तों, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल इट्स मैनेजमेंट आने वाला है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आने वाला है, सॉयल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग आने वाला है, हाईवे रेलवे इंजीनियरिंग, और आपका वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, और आपका सर्वेइंग। नेक्स्ट है वो आपका क्वालिटी रिलेटेड इशू इट्स यूज फंक्शन ऑफ नेसेसरी। दोस्तों, जो भी क्वालिटी के रिगार्डिंग फंक्शन यूज होते हैं उससे संबंधित आपका आने वाला है। फिर आपका मिसलेनियस आने वाला है, जैसे कि आपका एस्टिमेशन प्रिपरेशन नॉलेज ऑफ फ्लाई एज प्रोडक्ट्स, और आपका नॉलेज ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड सुपरविजन साइड, ये सब आपके आने वाले हैं। जो भी जनरल नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, आपको साइड पे कैसे काम कराना है और आपको कैसे सुपरविजन करना है। दोस्तों, ये आपके लमसम 10 प्रकार के जो सब्जेक्ट है टेक्निकल, वो जो नॉर्मल किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, वही आपका सिलेबस है। दोस्तों, आप लोग इसमें जो एक एक पॉइंट दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें और उसी प्रकार से एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते जाएँ। तो दोस्तों, इसका सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का समय रहेगा, और आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम पैटर्न दिया गया है, और आपका वैकेंसी भी काफ़ी ठीक है, नंबर फॉर्म फिलअप हुए हैं, इसका भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर के लास्ट तक होने की उम्मीद है, और आप लोग तैयारी करते रहें, इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया फॉर्म फिलअप के लिए, क्योंकि DVC बहुत ही जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस कराता है, इस बार इसका थोड़ा लेट हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग सितंबर एंड तक एग्ज़ाम को मानकर तैयारी कीजिए, आपके पास समय है, आप अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए एज पर DVC सिलेबस के अनुसार। और आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।